मिलता है। जैसा पाप वैसा जन्म। गरुड़ भगवान विष्णु से विनती करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, जब आत्मा अपने किए हुए पाप कर्मों के आधार पर नरक की यातना भोग लेती है तो फिर उसे किस रूप में जन्म मिलता है। इस पर श्रीहरि विष्णु कहते हैं, नरक में पाप कर्मों की सजा प्राप्त करने के बाद जब आत्मा के फिर से जन्म लेने का समय आता है तो तब भी उसके कर्मों का प्रभाव रहता है और इसी के आधार पर उसे नया जन्म मिलता है। इनकी हत्या से मिलता है ऐसा जन्म। जिन आत्माओं ने मानव जीवन में ब्रह्मा हत्या की हो वह नरक की यातना भोगने के बाद अगले जन्म में क्षय रोगी बनता है। गोहत्या करने वाला मूर्ख या कुबड़ा, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी, गर्भपात करने या कराने वाला भिल्ल रोगी बनता है। इन सभी को चांडाल रूप में जन्म लेने वाला माना जाता है। महिलाओं का शोषण करने वाला, किसी भी रूप में महिलाओं का शोषण करने वाला या शोषण कराने वाला व्यक्ति भयानक रोगों का सामना करता है और पल पल पीड़ा में रहता है। अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाला अगले जन्म में नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ दुराचार करने वाला कुष्ठ रोगी होता है। इनके सेवन का होता है ऐसा प्रभाव। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। मंदिरा या शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीजों को खा लेने वाला ब्राह्मण जलोदरी, पेट में पानी भर जाने की बीमारी के चलते पेट फूलना बनता है। दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वाले को गले से संबंधित बीमारियां रहती हैं। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। गुरु का अपमान करने वाला, अभिमान के कारण गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला पांडुरोगी, झूठी गवाही देने वाला जन्म से अंधा, गाय तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा, झूठ बोलने वाला हकला, झूठी बातों में रुचि रखने वाला बधिर होता है, आग लगाने वाला खलवाटी होता है, मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है। रत्न चुराने की मिलती है ऐसी सजा। रत्न चोरी करने वाले व्यक्ति को मानसिक समस्याएं, स्वर्ण चुराने वाले को नाखूनों की समस्या और अन्य धातुओं को चुराने वाला निर्धन रहता है। अन्न की चोरी करने वाला चूहा, जल की चोरी करने वाला चातक और विष चुराने वाला बिच्छू बनता है। सुगंधित चीजों को चुराने वाला छुछुंदर और शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। ऐसे लोग बनते हैं बकरा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग हिंसा करके अपने घर और परिवार का पालन पोषण करते हैं, लूटपाट करते हैं, जीवों पर हिंसा करते हैं और शिकार खेलते हैं, ऐसे सभी लोग अगले जन्म में किसी कसाई के घर में पलने वाला या उसके हत्थे चढ़ने वाला बकरा बनते हैं। जो लोग जहर पीकर आत्महत्या करते हैं वे अगले जन्म में पहाड़ पर रहने वाले काले नाग बनते हैं। यह सभी सजा गरुड़ पुराण में बताई गई है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि।